दोस्तों मैं मौजूद हूँ इस टाइम फैसलाबाद के एक मशहूर स्नूकर क्लब में, और यहाँ पर टेबल आप देख सकते हैं तकरीबन 16 टेबल लगे हुए हैं, और हर टाइम 24 घंटे ये सर्विस है इस क्लब की, और स्नूकर क्लब के बिल्कुल बाहर मौजूद है डी ग्राउंड फैसलाबाद। तो स्टूडेंट लाइफ में हमने काफ़ी स्नूकर खेली है, लेकिन आज मैं अपने कज़न के साथ मुस्तफ़ा जी एम राना है भाई, तो इसके साथ मैं स्नूकर क्लब आया हूँ बहुत ही अरसे बाद, तो पुरानी यादें हम कर रहे हैं ताज़ा। और इसके साथ आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि स्नूकर का जो कारोबार है छोटे पैमाने पर हो या इसी तरह बड़े पैमाने पर किस तरह से स्टार्ट होता है। ये बात है कि आपके पास जितनी आपने अर्निंग करनी है उस हिसाब से आपके पास अपनी जगह होनी चाहिए। तो ये तकरीबन एक कनाल की जगह है और यहाँ पर 16 टेबल तकरीबन 17 टेबल लगे हुए हैं। तकरीबन एक हफ्ते से मिस्टर फिर तो फैसलाबाद में मौजूद है, तो हमने कहा कि चलें कोई शश्ता वगैरह हो जाए और इंजॉय हो जाए, मेमोरीज ताज़ा हो जाए हम कज़न्स की। तो एक टेबल भी मैंने लगाया है यहाँ पर और खेलने लगाऊँ। और इसके अलावा ये देखें रेट लिस्ट, 1000 रुपये फी घंटा सेपरेट आप अपना टेबल बुक कर सकते हैं। और ये देखें यहाँ पर गेम भी चल रही है, तो ये सिलसिला चलते हैं बाहर। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल आपका? ठीक ठाक है, कैसी तबीयत है? तो आपका नेम? वसीम यूसुफ। अच्छा सर, कितना अर्सा हो गया आप ये कारोबार कर रहे हैं? खुसूसी उन व्यूवर्स को गाइड करें जो कि ये बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन कंफ्यूजन का शिकार हैं कि हम करें या ना करें, तो कितनी कम से कम जगह होनी चाहिए और ये टेबल कितने का है, थोड़ा सा जरा गाइड करते हैं। एक टेबल होता है 6x12 का, जिसकी 12 फुट लंबाई होती है और 6 फुट उसकी चौड़ाई होती है। ओके। टेबल के लिए उसके पीछे जो जगह है ना वो 5 फुट चाहिए एक साइड पे, बैक भी, और 4 फुट की स्किप होती है 4.5 फुट। सही। और वो यानी कि तकरीबन एक अच्छा क्लब बनने के लिए ना ये कोई यानी कि कितने टेबल वाला क्लब, 4 टेबल वाला, उसके लिए कम से कम 4 मरले जगह चाहिए। 4 मरले तक उसमें इजी आ सकते हैं। बाकी ऐसे ही होता है कि कारोबार ये बहुत अच्छा है, एक दफ़ा पैसे लगते हैं उसके बाद इसमें इनकम ही आती है अगर उसको आप अच्छे तरीके से चलाएं। और इस लिहाज से ये कोई लास्ट वाला कारोबार नहीं है, इसमें जो लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं अपनी जगह हो उसकी जी जी। तो सारी जिंदगी के लिए आराम है इसमें, काफ़ी अच्छा काम होता है इसमें। और इसको बड़े खलूस और प्यार से चलाना पड़ता है। अच्छा, पाकिस्तान में स्नूकर को लेकर एक बदनाम कारोबार भी समझा जाता है, तो किस हद तक ये बदनाम आप समझते हैं? मैं तो यहाँ पर आया हूँ, मुझे ऐसी कोई वो चीज़ नज़र नहीं आई कि नौजवान ख़राब हो रहे हैं और जुआ वगैरह चल रहा है, इस तरह का ख्याल लिया जाता है और लोग डर जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं नहीं, वो ये होता था ना कि पहले जो क्लब होते थे ना छोटे छोटे जी जी लेवल पे, जब से ये मोहम्मद आसफ चैंपियन बना है ना पाकिस्तान का जी जी जी, उस वजह से लेकर स्नूकर में जो है ना ज्यादा प्रमोट हुई है। और पाकिस्तान के खासकर फैसलाबाद के बहुत अच्छे प्लेयर हैं जो फैसलाबाद में तैयार हो गए और उन्होंने नाम रोशन किया है पाकिस्तान का। ऐसे ही मतलब मोहम्मद आसफ है, शाहद आफ्ताब है, यानी ये नामी गिरामी प्लेयर फैसलाबाद के हैं। अच्छा सर, 16 से 17 टेबल्स हैं जी जी, पर डे कितनी इनकम हो जाती है एक अंदाजे के मुताबिक? इसमें ये है कि सर इसमें एवरेज के लिहाज से तकरीबन 40,000 की एवरेज बनती है पर डे, पर डे जिसमें आपके यहाँ पर ये भाई वगैरह आपने रखे हुए हैं यहाँ पर मुलाजमीन, कितने मुलाजिम हैं आपके यहाँ पर? हमारे पास है तकरीबन 10 बंदे। 10 बंदे हैं, उसमें कंटीन भी है, कंटीन के 2 मुलाजम हैं, बाकी ये सब के मुलाजम हैं। ओके हो गया। तो कितना अर्सा हो गया आप ये बिजनेस कर रहे हैं? ये तकरीबन 1.5 साल हो गया। मतलब कि आपका रेंट भी माशाल्लाह निकल आता है, घर का खर्चा भी चल जाता है, और जो आपने यहाँ पर मुलाजमन रखे हुए हैं जी जी, वो भी खुश है, नॉर्मल चल रहा है, बेहतरीन है। ये है कि कोई इसमें फ्रॉड या धोखा नहीं है, किसी को चक्कर देना फिलहाल से मेहनत है। तो आपकी सर्विस टाइम कितना है यहाँ पर? 24 घंटे 24 घंटे सर्विस है। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके। तो सर ये जरा नंबरिंग बताएं जरा व्यूवर्स को, ये कितने नंबर है? ये 2 नंबर होते हैं जी जी, येलो के 2 है, ग्रीन के 3 है जी जी, ब्राउन के 4 है, और ब्लू के 5 है, पिंक के 6 है, और ब्लैक के 7 है, और रेड का 1 नंबर है। और टोटल टेबल पर कितने नंबर्स होते हैं?
147। ओके जी, शुक्रिया। रिफ्रेशमेंट के लिए क्योंकि अंदर कंटीन भी मौजूद है, तो यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो भी चीज़ मेन्यू में कैंटीन में दस्तयाब है, और मौसम के लिहाज से यहाँ पर आप इंजॉय भी कर सकते हैं। बहुत ही पीसफुल इन्वायरमेंट है, और ये बिल्कुल सामने फैसलाबाद डी ग्राउंड मौजूद है, और ट्रैफिक आप देख सकते हैं, सर्दी आप देख सकते हैं किस तरह से पड़ रही है पाकिस्तान में। और भाई मुस्तफ़ा, आप ज़रा मुझे बताओ कि रोज़ाना आते हो यहाँ पर? जी मैं हर फ्राइडे यहाँ पे आता हूँ, जो कि छुट्टी का टाइम होता है। हम रूटीन में अगर दिल करता है तो लेट नाइट हम आ जाते हैं, क्योंकि इनकी सर्विस जो है वो 24 आवर है, तो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। मेरे ख्याल से ये एक एक्सरसाइज भी है यंग जनरेशन के लिए, जो कि स्नूकर खेलते हैं, इसके अंदर बॉडी मूवमेंट के हिसाब से अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। इनका रिफ्रेशमेंट एरिया कंटीन भी है इधर, तो हम सैंडविचेस, पैटीज, और सबसे अच्छी इनकी जो है वो कैपेचिनो कॉफी है, चाय है, और उसको यहाँ पे ओपन एनवायरनमेंट में बैठ के एंजॉय करते हैं और टाइम गुजर जाता है। तो बड़े लोग कहते हैं कि मतलब लड़के हमारे खराब हो जाते हैं आके, वो इस तरह से होता है कि वो फिक्सिंग होती है, ठीक है। जो लोग हर फील्ड के अंदर मतलब उसको अगर फिक्सिंग की तरफ हम ले जाते हैं, जो कि इस्लाम में हराम करार दी गई है, वो गलत है, और जिसकी बिना पे मुख्तलिफ ग्रोहों में लड़ाइयां भी जन्म लेती हैं। तो ये एक लोकल नहीं है, लोकल जगह पे ऐसे काम होते हैं, तो ये लोकल स्नूकर क्लब नहीं है, ये इसका एक लेवल है, मियार है। इनकी 3-4 ब्रांचेस जो है वो अरूज पर है। तो मुझे तो आप बचपन का एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना, मैंने अकेडमी जाना तो एक गेम मैंने खेलनी पहले और एक बाद में, उसके बाद आज आपके साथ तो फिर मैंने कहा कि जरूर मैं फैसलाबाद में जैसे कि मौजूद हूँ, तो इस व्लॉग को भी YouTube चैनल का हिस्सा बना लें, और इंजॉय हो रहा है दोस्तों। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कि आप इस बिजनेस में कम से कम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रोजाना की बुनियाद पर आप कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, 3 से 4 मरले कम से कम अगर आपके पास अपनी जगह भी है तो आप 1 लाख का छोटा टेबल खरीद सकते हैं, और अगर आपके पास 2 टेबल हो जाए तो फिर भी बेस्ट है। मतलब कि अपनी जगह होने के साथ साथ 1.5 से 2 लाख इन्वेस्ट करके आप रोजाना का 2500 से 3000 रुपया कमा सकते हैं, और महाना के लिहाज से आपका तकरीबन 75 से 90,000 पर मंथ इनकम आपकी बनती है। और अगर आपने तकरीबन 10 से 12 टेबल्स भी लगाए हो तो आप आराम से 3 से 4 लाख पर मंथ कमा सकते हैं स्नूकर के इस कारोबार से, अगर आप साफ शफाफ एक लेवल के मियार के मुताबिक ये बिजनेस करते हैं। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो, जिसमें मैंने फैसलाबाद के पॉपुलर स्नूकर क्लब का विजिट किया, और एक गेम भी मैंने अपने कज़न के साथ लगाई। और वीडियो आपको कैसी लगी ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलना। इसके साथ ही अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नहीं है तो जल्दी से मेरे चैनल मिस्टर पिट्टू को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लें प्रेस, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो इसके साथ ही फैसलाबाद से आज की इस वीडियो में मिस्टर पिट्टू आपसे चाहता है इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।